अब हम लोग कैश बुक में टाइप टू करने वाले हैं। ये जो टाइप टू है उसके अंदर रियलिटी में अमाउंट के एक नहीं बल्कि दो कॉलम होंगे और इसी वजह से इसे टू कॉलम कैश बुक भी बोला जाता है। हमारे अकाउंट्स की खास बात यह है कि हम अपने अकाउंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं, यही हमने सीखा था, और उसी सिस्टमेशन के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंटेशन करने के अंदर एक चीज़ और हम सीखेंगे, वो ये कि जो चीज़ें नेचर में एक जैसी होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट को भी कंबाइन करके बनाए जा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो आप उससे कैश ले सकते हैं, और एक और ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल सिमिलर कैश की तरह मिल सकती है और उसका यूज़ भी बिल्कुल कैश की तरह होता है, वो होता है चेक। इसका मतलब कैश और बैंक बैलेंस दोनों ही हमारे लिए एक जैसी चीज़ें हैं। हाँ, दोनों नेचर में अलग अलग है, दोनों का हिसाब भी अलग अलग रखना पड़ता है, लेकिन दोनों का यूज़, दोनों की यूटिलिटी बिल्कुल एक जैसी है। हमें पैसा लेना हो या हमें पैसा देना हो, हम कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और हम चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू भी पेमेंट करवा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास टोटल कितने फंड्स अवेलेबल हैं खाली कैश अकाउंट देख के नहीं पता चलेगा। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास कैश है 1,00,000 रुपए और बैंक में भी है 2,00,000 रुपए, तो इसका मतलब यूज करने के लिए मेरे पास बताओ टोटल कितना पैसा हो गया, 3,00,000 रुपए। तो ऐसे में कंप्लीट पिक्चर आपको तभी नजर आएगी जब आपके पास कैश और बैंक दोनों का हिसाब एक जगह पे हो जाए, और इसी दोनों हिसाब को एक जगह रखने के लिए हम क्या करते हैं, बनाते हैं मल्टीपल कॉलम कैश बुक, जिसे यहाँ पे नाम दे दिया गया अब टू कॉलम कैश बुक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने अकाउंट के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम और मेंटेन कर लेंगे बैंक के लिए भी, और जो फॉर्मेट होगा उसमें सबसे पहले डेट होगी, फिर उसके बाद रिसीट्स, फिर LF, और उसके बाद अमाउंट के लिए अब हमारे पास दो कॉलम होंगे। अगर हमें किसी डील में कैश रिसीव होता है तो हम कैश वाले कॉलम में एंट्री करेंगे, और अगर हमें चेक या कोई बैंक अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो कौन से कॉलम में एंट्री कर देंगे, बैंक में। ये चीज ध्यान रखना, दोनों ही ये कॉलम इंक्रीज करने के लिए डेबिट को यूज करेंगे। अगर कैश में बैलेंस बढ़ेगा तो कैश की डेबिट साइड में, और अगर बैंक में बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक की डेबिट साइड में एंट्री कर दी जाएगी। सिमिलर तरीके से क्रेडिट साइड के अंदर पहले डेट होगी, फिर पेमेंट होगी, फिर LF, और अब आप ये डिफाइन करें कि आपने पेमेंट किस चैनल के थ्रू की है। अगर आपने उस काम में कैश यूज किया है तो कैश के कॉलम में एंट्री करेंगे, और अगर आपने बैंक की मनी यूज किया तो बैंक के कॉलम को यूज करेंगे। दोनों ही सिचुएशन के अंदर पैसा बढ़ने पर डेबिट होगा चाहे कैश हो या बैंक, और पैसा घटने पर क्रेडिट होगा चाहे वो कैश हो या बैंक। ठीक है, तो हमारे आप प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए और हमें पूरी जानकारी एक जगह पे मिल जाए, इसलिए सिंगल कॉलम कैश बुक से बेटर कौन सी होती है, टू कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब इसमें एंट्रीज कैसे करते हैं समझने के लिए आपके नोट से क्वेश्चन नंबर 13 यूज करूंगा, जिसमें सबसे पहले क्लियर कर दिया गया है कौन सी बुक बनानी है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए टू कॉलम कैश बुक, दो कॉलम वाले कैश बुक बनाने, मतलब उसमें अमाउंट के दो कॉलम। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, हमेशा पहले आपको कैश का कॉलम ही बनाना है, उसके बाद आप बैंक का कॉलम ही प्रिपेयर करेंगे, पहले कैश और उसके बाद फिर बैंक। और इसके अंदर सबसे पहले लिखा है फरवरी की फर्स्ट डेट को कैश इन हैंड ₹8,000, तो यहाँ पे डेट में वही फरवरी फर्स्ट डालेंगे। ये हमें पता है कि असेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, और डेबिट बैलेंस होते हैं तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा सबसे पहला नाम बैलेंस BD, कैश इन हैंड जनवरी की आखिरी तारीख को जो बच गया था वही फरवरी के अंदर यूज करने के लिए आ गया, और यहाँ पे कैश इन हैंड हमारे पास कितना बचा था ₹8,000 कैश के कॉलम में। साथ ही एकदम उन्होंने बैंक का भी बैलेंस बता दिया, ध्यान से समझ लेना, ये एक एडवांटेज भी है, जब सेम डील में दोनों यूज हो रहे हैं तो आपको दोबारा से नाम और दोबारा से डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है। डेट भी मैंने लिखी है फरवरी फर्स्ट, बैलेंस BD भी लिखा हुआ है, कैश का बैलेंस था 8,000 और बैंक में कितना बैलेंस है 6,000, तो मुझे दो बार डेट लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार मैंने डेट लिखी, एक ही बार बैलेंस BD, कैश का बैलेंस कैश में और बैंक का बैलेंस बैंक में। और इसके साथ ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ अभी मेरे पास टोटल ₹14,000 मनी अवेलेबल है यूज करने के लिए, क्योंकि बैंक का पैसा और कैश का पैसा दोनों ही सिमिलर नेचर से यूज किया जा सकता है। आगे उसके बाद फिर लिखा है डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने कुछ पैसा बैंक में जमा करा दिया, यहां से एक नए टाइप की एंट्री की शुरुआत होती है। जब हम टू कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कुछ एक एंट्री को एक खास नाम दिया जाता है जिन्हें बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्रीज, कुछ एक एंट्री को खास नाम दिया जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री हम उस एंट्री को बोलते हैं जिसमें केवल दो ही नाम हो और वो दोनों के दोनों नाम हमने जो अकाउंट बनाए हैं उनसे बिलोंग करते हैं। और हमने कौन कौन से अकाउंट बना रखे हैं यहाँ पे कंबाइन फॉर्म में, एक कैश और एक बैंक। तो अगर कोई भी ऐसी एंट्री तुम बनाते हो जिसमें केवल दो ही नाम है, एक नाम कैश का और एक नाम बैंक का है, तो ये मस्ट है कि अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा,
और ऐसा सिर्फ दो ही टाइप की जर्नल एंट्री में हो सकता है, एक जिसमें कैश को डेबिट कर दे और बैंक को क्रेडिट कर दे, दूसरा उल्टा कर दे, बैंक को डेबिट कर दे और कैश को क्रेडिट कर दे। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री खास हो जाती है और फिलहाल इसने देखे हमने बैंक में पैसे जमा कराए, दो ही सिचुएशन में आपको कॉन्ट्रा एंट्री बनानी पड़ेगी। नंबर वन सिचुएशन, जब जब आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री हो, क्योंकि बैंक में पैसा जमा कराने की एंट्री होती क्या है, मैं लिख रहा हूं यहां पे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो क्या एंट्री होती है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है, और बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, और किसका बैलेंस डिक्रीज होता है, हमारे पास जो कैश होता है उसमें बैलेंस डिक्रीज होता है, तो टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे कह रहा है कि हमने बैंक में फिलहाल 1500 रुपीज डिपॉजिट कराया, तो बताओ क्या इस एंट्री में केवल दो ही नाम नहीं है, एक कैश और एक बैंक है, तो इसकी एंट्री खास होगी, उसकी पोस्टिंग भी खास होगी। इसे कॉन्ट्रा एंट्री क्यों बोलते हैं अब समझ में आएगा। इस एंट्री में आप देखोगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो मुझे बैंक का बैलेंस बढ़ाने के लिए डेबिट साइड में 1500 लिखना पड़ेगा, लेकिन केवल बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, साथ में कैश का बैलेंस घट भी तो रहा है, तो मुझे दूसरी साइड से कैश के कॉलम में 1500 घट गया ये भी दिखाना पड़ेगा, भैया बढ़ाने वाले कॉलम ये और घटाने वाले कॉलम ये। और ये कैसी खास एंट्री होगी जो दोनों तरफ होगी, डेबिट में भी एंट्री हुई है इसकी और क्रेडिट में भी, और इसीलिए से बोलते हैं कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब क्रॉस, ये क्रॉस एंट्री हो रही है हमारी, और इसको हम हाईलाइट भी करेंगे LF के कॉलम के अंदर। आप इस एंट्री को हमेशा सी लिख के डोनेट करेंगे, आप यहाँ पे LF के अंदर सी लिख देंगे जब भी कोई कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे, मतलब ऐसी एंट्री जो दोनों साइड कर दी आपने, हमेशा ऐसा नहीं करोगे आप, लेकिन जब भी कैश और बैंक एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तो आपको डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। और हमेशा एक चीज और गोल्डन रूल बता दूं, इधर से अगर आपने बैंक यूज किया तो डेफिनेटली इधर से कैश में ही एंट्री जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री में एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। अच्छा, डेट क्या थी जिस दिन ये काम किया हमने, डेट थी हमारी फरवरी की 3rd डेट। हमें पता है कि नाम खुद का नहीं ले सकते, इसमें अमाउंट कौन से कॉलम में है, बैंक में, तो आप बैंक के अंदर जब फिगर लिखेंगे तो यहाँ पे नाम किसका लिखेंगे, कैश का। अब यहाँ पे समझ लिया ध्यान से, कैश और बैंक दोनों अकाउंट मर्ज होके बन रहा है, इसलिए कैश का नाम आ सकता है लेकिन कैश कॉलम के लिए नहीं, बैंक कॉलम के लिए। उसी तरीके से समय कैश में एंट्री है तो कैश का नाम नहीं लिख सकते, डेट तो डाल देंगे फरवरी 3rd, लेकिन नाम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्लियर है, नाम एक दूसरे के। और ये आमने सामने होना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे अगर लिखी है सेकंड रो में तो ये भी एंट्री सेकंड रो में, उसी पेज पे एंट्री होगी, वो जो भी ये रॉ अवेलेबल होगी उसी में डाल दी जाएगी एंट्री, क्लियर है। एक एंट्री और आगे होगी कॉन्ट्रा एंट्री, अभी तो नहीं लेकिन बाद में होगी, दूसरी एंट्री जो कॉन्ट्रा एंट्री होगी वो इसकी अपोजिट ही होगी, क्योंकि दो ही सिचुएशन है, और एंट्री तब होगी जब तुम बैंक से पैसे निकलवा लोगे, अभी तो पैसे डाले बैंक में, जब हम बैंक से पैसे निकलवाएंगे क्या सिचुएशन होगी वो, व्हेन कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घर के लिए पैसे नहीं निकलवाने, घर ले जाओ कहीं पैसे निकाल के, ऑफिस के यूज के लिए पैसे निकाले, मतलब बैंक से पैसे निकाल के ऑफिस में रख लिए, तब हमारे पास कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक का बैलेंस घट जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट। सिर्फ यही दो सिचुएशन है कॉन्ट्रा एंट्री की, नंबर वन बैंक में पैसा जमा कराने की, नंबर टू बैंक से पैसा ऑफिस के लिए निकालने के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज में तो ड्राइंग हो जाती है, ऑफिस के लिए जब पैसा निकालोगे तो ये एंट्री होगी। मैं वो एंट्री भी करके दिखाता हूँ जब पर्सनल यूज होते हैं, जब वो बोलते हैं व्हेन कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तब हमारी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसमें ध्यान से देखें तो कॉन्ट्रा एंट्री की कंडीशन पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो यही दो सिचुएशन है जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री बनानी पड़ेगी, चलो आगे देखते हैं। फिलहाल नेक्स्ट है परचेज एंड ऑफिस टेबल एंड पेड बाय चेक, हमने ऑफिस के लिए टेबल खरीदी और उसकी पेमेंट करनी थी, इस बार पेमेंट कैसे कर दी, चेक से। बस ये आपको ध्यान रखना है, आपने कैश यूज किया तो कैश कॉलम और चेक बनाया तो बैंक कॉलम, और आपने पेमेंट कर दिया तो पैसा तो घटेगा, लेकिन पैसा कहाँ से घटेगा, बैंक में से घटेगा, तो बैंक वाले कॉलम में सबसे पहले अमाउंट डालना, गलती हो जाती है जब बच्चे नाम लिख के अमाउंट डालने लगते हैं, पहले अमाउंट डालिए। अब डेट रहेगी 5, और हमने खरीदा क्या था, फर्नीचर, तो यहाँ आप लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, देखो आगे ये वाली एंट्री, हमने बैंक से ऑफिस के काम के लिए पैसे निकलवा लिए, और कितने पैसे निकलवाए हमने, 1000 रुपये, तो समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ये तो खास एंट्री होगी, सबसे पहले कौन सा बैलेंस बढ़ने वाला है, ऑफिस में कैश बढ़ने वाला है, तो कैश यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ डेबिट,
हाथों हाथ बैंक का बैलेंस घटा रहा हूं। ये शॉर्टकट तरीका है और बेस्ट तरीका है। अगर इधर से कैश बढ़ गया तो उधर से बैंक घटेगा। कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ की जाती है। इसको स्पेशल मार्क भी लगा देता हूँ भैया, ये कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, सी का मार्क लगा दिया। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आगे इसके अंदर क्या लिखेंगे, डेट डाल देंगे। डेट इसके अंदर रहेगी हमारी 12th। क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, इस समय कैश में एंट्री है तो कैश का नाम नहीं लिख सकते, यहाँ पे किसका नाम आएगा, टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे एंट्री इस समय बैंक में है तो यहाँ पे डेट रहेगी 12 और नाम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद पेड वेजेस थ्रू चेक 750, हमने वेजेस की पेमेंट किया। और ध्यान से समझ लेना, कैश के चेक, चेक चेक है तो बैंक से पैसा निकलेगा, पेमेंट किया है 750 रुपये बैंक में डाल देंगे। सबसे पहले अमाउंट डालना, गलती नहीं होगी। डेट 15, नाम लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद पेड फॉर फ्रेट 100, हमने 100 रुपीज़ की फ्रेट पे किया। अब उसने कुछ क्लियर ही नहीं किया कि चेक है या कैश है, तो हम डिफॉल्ट अजम्पशन क्या लेकर चलते हैं, कैश है, बाकी चेक होगा तो आप बताओगे। तो फिलहाल क्या करने वाले हैं, पेमेंट किया है, पैसा घटेगा, घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। डेट डालेंगे क्या इसके अंदर 17 और रीज़न क्या लिखेंगे बाय फ्रेट अकाउंट, ठीक है। फ्रेट होती है भाड़ा, हमारे को किराया जो देना पड़ता है वो फ्रेट होता है। कारेज, कार्टेज, फ्रेट, ये 3-4 नाम इसके गिनाए जाते हैं। उसके बाद इसमें परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज़ 2000, हमने मशीनरी खरीद ली है नगद। जब मशीन खरीदे तो मशीन बढ़ेगी, कैश घटेगा, और कैश को घटाने के लिए 2000 रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे। डेट में डाल देंगे 20 और रीज़न क्या लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद है पेड टू मीना बाय चेक 950 एंड डिस्काउंट रिसीव 50। जब आपको डिस्काउंट और अमाउंट अलग अलग दिया होता है तो दोबारा से लेस नहीं करना, आपने जो पेमेंट की है वो चेक से 950 की किया डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद, तो आपको दोबारा से लेस नहीं करना। आपने पेमेंट किया तो पैसा घटेगा, घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे, और चेक बनाया मतलब बैंक का यूज होगा। डेट में डेट डाल देंगे 22, नाम भर देंगे इसके अंदर किसका, बाय मीना का, और यहाँ पे काम खत्म। देन उसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम सुमित 1200 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखो चेक रिसीव हो गया, पैसा बढ़ गया इसका मतलब, लेकिन चेक रिसीव हुआ तो कैश नहीं बढ़ेगा बल्कि क्या बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा। देखो क्लियर लिखा भी हमने बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया पहले अमाउंट, बाकी सारा काम बाद में। डेट में डालेंगे 25, नाम यहाँ पे लिख देंगे किसका, सुमित का। क्लियर है। और लास्ट लिखा है कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है सामान बेचा है नगद पैसे लेकर, तो सामान बेचा है आपने तो पैसे तो आपके बढ़ेंगे, सामान घटेगा पैसे बढ़ेंगे। कैश अकाउंट डेबिट होगा 1800 रुपीज से। डेट में डालेंगे 28 और नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है। अब ये सारा काम करने के बाद हमें टोटल करना है, लेकिन ध्यान रखना टोटल करते वक्त आप दो अकाउंट एक साथ बना रहे हैं और दोनों का टोटल अलग अलग ही किया जाएगा। सबसे पहले हम कैश वाले कॉलम का टोटल करेंगे, और कैश का टोटल देखें तो यहाँ पे 10,800 हो गया। कैश का कभी भी क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा नहीं हो सकता, कैश का डेबिट साइड का बैलेंस बड़ा होगा। और यहाँ पर 10,800 भर के सबसे पहले कैश कितना बचा वो निकालेंगे। ये मंथ था फरवरी, फरवरी 28 को एंड होता है, एंडेड डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। आपके पास टोटल 3,600 की एंट्री है, तो 10,800 में से 3,600 माइनस कर दे तो 7,200 बैलेंस बचा। लेकिन ये आधा सच्चा, आपके पास और भी पैसा बचा होगा, अभी ये अधूरा पैसा है, अभी आपके पास बैंक में भी कुछ पैसा बचा होगा। तो बैंक का टोटल हम कर लेते हैं, बैंक का बैलेंस निकालने के लिए बैंक में आप टोटल करें कितना हो गया 8,700। वही 8,700 यहाँ पे लिखे हो, देखिए बैंक में कितना पैसा निकल गया, 1200 रुपये एक निकले, 1000 और उसके बाद 750 और उसके बाद फिर 950, टोटल आपके 3900 निकल गए हैं 8,700 में से। तो 4,800 आपके पास यहाँ पे भी बचे हुए। इससे आपको पता चल रहा है कि अब आपके पास टोटल अवेलेबल फंड जो है वो कितना हो जाएगा, 11,000 रुपये का फंड आपके पास अवेलेबल है, बल्कि 11,000 भी नहीं बल्कि 12,000 रुपये का फंड्स अवेलेबल है। कैश और बैंक नेचर एक जैसी है, तो पूरी पिक्चर तभी नजर आएगी जब दोनों के अकाउंट साथ साथ हों। चलो वहाँ का जो बैलेंस होते हैं वो हमें पता है, अगले महीने फ्री यूज हो सकता है, तो फरवरी के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, मार्च का, जिसमें लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। कैश हमारे पास है 7,200 और बैंक में डिपॉजिट है 4,800। एग्जाम में ये प्लस और माइनस के निशान नहीं लगाने की आवश्यकता है, आपको सिर्फ अकाउंट बनाना है, कैश बुक बनानी है, और बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था, कंप्लीट।